कब से सोच रहे थे ये लोग जाए नहीं जाए नहीं जाए। चलो लेट्स स्टार्ट। ऑडियो वीडियो एक बार चेक कर लो। हुआ है क्या लाइफ अमर? हुआ है क्या? इसमें क्यों नहीं दिखता है मुझे? हाँ, अब हुआ। तो इधर रख, फिर इधर रख, ऐसे उल्टा हो जाता है मेरे को। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरी वन ऑफ यू ऑल। आज का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का जो सेशन है, इट इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट पूरे एक्ट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस इज दिस सेक्शन नंबर 138 दैट वी आर गोइंग टू डू टूडे। आप लोगों को पूरी एक्ट तो है नहीं, मेन मेन सेक्शंस जो है, और जो बेसिक सेक्शंस हम कह सकते हैं, मेन तो नहीं बट बेसिक सेक्शंस जो है वो आपको कवर्ड है। बट ये सारे बेसिक सेक्शंस में आज का 138 जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है, इवन प्रैक्टिकली दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इज दैट सो? आप खुद मेरे को बताओ सच्चे दिल से, बिटवीन प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हो? आई डोंट थिंक सो इन टूडेज डेट प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज प्रैक्टिकली कोई भी ड्रॉ करता होगा या एंडोर्स करता होगा या एक्सेप्ट करता होगा। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ चेक। और क्या होता है, देखो जब जैसे किसी, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको चेक इशू किया है और जब आपने चेक को डिपॉजिट किया, अनफॉर्चुनेटली चेक बाउंस हो गया। अब देखो वी आर बैक टू स्क्वायर वन, फिर वही थॉट बार बार दिमाग में घूमते रहता है कि कल जाके अगर मैं गुड्स दे दू, सर्विस सप्लाई कर दू और एक साइड पे गुड्स दे दिए और पेमेंट भी नहीं मिला, तो फायदा होने के बदले डबल नुकसान हो जाएगा, गुड्स भी गए और पैसा भी नहीं मिला। लोगों का विश्वास कम होने लग जाता है ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये चीज ना होने के लिए यू विल नॉट बिलीव, मतलब ये वन ऑफ अ काइंड सेक्शन है जहां पे ऑफेंस आपका सिविल है बट पनिशमेंट उसकी क्रिमिनल है। सिविल देखो जैसे कि, से फॉर एग्जांपल मेरे और इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्या नाम है बेटा आपका? तनीषा। मेरे और तनीषा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है। नाउ दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली बिटवीन टू पीपल, तनीषा एंड अंकिता मैम। आप लोगों को कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। वट एवर इट इज, ये हमारा निजी मामला है। बट देखो मींस दिस एक्ट इज अ सिविल एक्ट, बट कल जाके अगर मैंने तनीषा को चेक इशू किया और ये इशू चेक बाउंस हो जाता है, तनीषा मुझसे कॉम्पेंसेशन तो ले सकती है, कॉम्पेंसेशन तो ठीक है छोड़ दो कोई बड़ी बात नहीं है, बट नाउ तनीषा कैन ऑल्सो सेंड मी टू जेल फॉर अप टू 2 years। ऑफेंस सिविल है, इससे क्या जनता एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज क्या अफेक्ट हो रही है? नहीं, ये सिविल ऑफेंस है। बट इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, एक तो वो मेरे ऊपर फाइन लगा सकती है, कितना फाइन? 2 times द अमाउंट ऑफ द चेक, और ये मेरे को जेल भी भेज सकती है अप टू 2 years। और अगर जज साहब को लग रहा है अंकिता मैम तो बस ऐसे ही विदाउट एनी सीरियसनेस चेक इश्यू करती जाती है विदाउट इवन द इंटेंशन ऑफ गेटिंग इट ऑनर, तो जज साहब तो मेरे ऊपर दोनों भी लगा सकते हैं, फाइन एज वेल एज जेल। तो ऐसी वो बात है, आप समझो कितना सीरियसनेस इस सेक्शन को दिया है। नहीं तो यूजुअली सिविल ऑफेंस के सिविल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और क्रिमिनल ऑफेंस के क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये ऑफेंस आपका सिविल है, बट आवाज ठीक है क्या? कम लग रही है मुझे। बट इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्रिमिनल है, जहां पे आपको हम जेल भी भिजवा जा सकते हैं। हाँ, भेज सकते हैं हम। मतलब द लॉ मेकर्स डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू हैव इशूड द चेक
बट यू डोंट हैव द इंटेंशन टू क्लियर द चेक. इतना ये जो उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस डाले है, इट इज टू क्रिएट दैट टेरर कि मेरे मन में वो डर होना चाहिए कि कल जाके अगर मैंने चेक इश्यू कर दिया ना इस इंटेंशन के बिगर, दैट आई डोंट वॉन्ट टू ऑनर इट, आई वॉन्ट टू डिसऑनर इट, सो आई कुड ऑल्सो बी सेंट टू जेल फॉर दिस पर्टिकुलर ऑफेंस. तो ये डर के मारे एटलीस्ट लोग जो है बिगर इंटेंशन के चेक इशू करेंगे नहीं. वही इंसान चेक इशू करेंगे जिनका इंटेंशन है टू गेट द चेक ऑनर्ड. लॉ मेकर देखो कभी कभार क्या होता है, डायरेक्टली मैसेज दिया होता है, कभी कभार ये ऐसे 138 सेक्शन नंबर होता है और आपको 138 का सेक्शन नंबर लर्न करना पड़ेगा. एक मैंने आपको कल बताया था सेक्शन 20 इन कोहेट इंस्ट्रूमेंट, क्या था कल हमने दो इंस्ट्रूमेंट देखे थे ना टाइप्स, इन कोहेट इनकम्प्लीट, इधर पार्शली ब्लैंक और कंप्लीटली ब्लैंक, और एक हमने देखा था एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट. तो सेक्शन 20 क्या था, इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट. आज जो हम सेक्शन कर रहे हैं वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 138. कौन सा सेक्शन है बोलो तो, बाउंसिंग और डिसऑनर ऑफ अ चेक. ओके, तो क्या है इसका प्रोसेस और क्या सारी चीजें होती है. आप लोग आपके नोटबुक्स में आते हो क्या, मैं एकदम मस्त समरी मैंने बनवाया है, थ्रू डायग्राम्स वी विल डू दैट समरी. तो आपका समरी लिखना भी हो जाएगा और सेक्शन साथ साथ में समझना भी हो जाएगा. पहले तो आप हेडिंग दीजिए सेक्शन नंबर 128, डिसऑनर ऑफ अ चेक. क्या मैंने क्या बोला, इज इट, आई वाज जस्ट चेकिंग योर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, सेक्शन नंबर 138, बाउंसिंग लिख सकते हो या डिसऑनर लिख सकते हो, इज द सेम. लेमैन लैंग्वेज में हम यूजुअली कहते हैं चेक बाउंस हो गया. ठीक है, आप लिखो, बट सेक्शन का हेडिंग है डिसऑनर ऑफ अ चेक. देख आज ईद है इससे तेरे को कुछ नहीं बोल रही, डिसऑनर ऑफ अ चेक. आगे भी लिख लो, ड्यू टू insufficient funds. And etc. मतलब दूसरे भी reasons है. Okay. Can I start? Okay. सुनो अब सबसे पहले तो क्या हुआ है, एकदम ध्यान से सुनना. सो दिस इज द हेडिंग, हाँ, अंडर सेक्शन 138. एक बात बताओ मुझे, चेक के केस में कितनी पार्टीज होती है, तीन. कौन कौन, ड्रॉवर, ड्रॉई, पे. तो जैसे किसे, फॉर एग्जाम्पल आई एम द ड्रॉवर, मेरा जो बैंकर है वो कौन होगा, ड्रॉई, और जिसके फेवर में मैंने चेक इशू किया है उसको क्या कहते हैं, पे. और जैसे मैंने चेक बनाया, मैं डेट लिखती हूं, मैं साइन करती हूं, पे का नाम लिखती हूं, अमाउंट वर्ड्स में और फिगर्स में लिखती हूं, एंड देन डू आई डिलीवर द चेक टू द पे. कर आपने देखा था ना, डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी तो होना ही चाहिए. तो आई विल डिलीवर द चेक टू द पे. तो करेंटली पे है इस चेक का होल्डर, पे कौन है, इस चेक का होल्डर. तो अब देखो, सबसे पहली बात तो 138 अट्रैक्ट होने के लिए स्टेज वन, ओके, स्टेज वन क्या हुआ है. स्टेज वन में हमारे ड्रॉवर ने एक चेक इशू किया है, और चेक किसके फेवर में इशू किया है, चेक इशू किया है इन फेवर ऑफ द होल्डर. बट ये जो चेक हमारे ड्रॉवर ने इशू किया है इन फेवर ऑफ द होल्डर, दिस इज फॉर अ लीगली एनफोर्सेबल डेट. तो यहां पे मैंने दो ही पार्टीज लिखे हैं, ड्रॉअर और होल्डर, होल्डर पे ही है, ड्रॉई नहीं लिखा है, क्योंकि ड्रॉई तो हमारा बैंकर ही है, जो हमारा एजेंट है, जिसके पास हमारा पैसा है, हमारा ही पैसा है, जो बैंकर अपने पास रख रहा है, बस मेरे इंस्ट्रक्शंस पे वो क्या करता है,
वो जो चेक पे अमाउंट लिखा गया है वो आपको देता है। तो होता क्या है, जब कभी भी आप चेक ड्रॉ करते हो ना, ड्रॉवर जो है वो चेक को ड्रॉ करता है इन फेवर ऑफ द होल्डर। ये चेक जो आपने इशू किया है, ये चेक इशू किया गया है फॉर अ लीगली एनफोर्सेबल डेट। लीगली एनफोर्सेबल डेट मतलब क्या? मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज बाय विच मुझे आपको कुछ देना है और मुझे आपसे कुछ मिला है। लीगली एनफोर्सेबल डेट, से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे गुड्स खरीदे हैं, तो अब क्योंकि मैंने आपसे गुड्स खरीदे हैं, क्या मुझे आपको मनी कंसिडरेशन देना पड़ेगा? Yes. अब क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट अट्रैक्ट हो गया? Yes. तो मतलब क्या आपके और मेरे बीच में एक डेट क्रिएट हो गया है जो लीगली एनफोर्सेबल है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट खुद कहता है, अगर ये सेलर है तनीषा और मैं बायर हूं, इसने मुझे गुड्स बेच दिए बट मैंने इसको पेमेंट नहीं दिया, क्या ये अनपेड सेलर है? एंड एज एन अनपेड सेलर कैन शी फाइल अ केस अगेंस्ट मी एंड रिकवर द मनी? हाँ, बट उसके पहले केस फाइल करना तो बात की बात है, हम क्यों सोचे कि मैं पेमेंट ना दू? बट जब उसने गुड्स बेचे, क्या इसके और मेरे बीच में एक लीगली एनफोर्सेबल, लीगली मतलब कानून के हिसाब से एनफोर्स किए जाने वाला डेट क्या क्रिएट हो चुका है? यस yes. तो अगर मैंने तनीषा को चेक इशू किया है, यहां पे ड्रॉवर मतलब ये अंकिता मैम है, बराबर ना? और यहां पे होल्डर मतलब कौन है? तनीषा। ये जो चेक मैंने तनीषा को इशू किया है, दिस चेक आई हैव इशूड टू तनीषा फॉर अ लीगली एनफोर्सेबल डेट। सो देर इज एन इशू ऑफ चेक इन डिस्चार्ज, इन डिस्चार्ज ऑफ अ लीगली एनफोर्सेबल डेट। आपको समझा नहीं होगा, आप बहुत नादान हो, अभी आप बच्चे हो। ये लीगली एनफोर्सेबल डेट के लिए अगर हमने चेक इशू किया है तो ही सेक्शन 138 अट्रैक्ट होता है। ऐसा चेक अगर बाउंस हुआ है तो ही तनीषा मुझे जेल में भेज सकती है या मेरे ऊपर टू टाइम्स द अमाउंट ऑफ द चेक का फाइन लग सकता है। जिसका क्या मतलब हुआ, जो मुझे आपको बताना है, सुनो मेरी बात, कल जाके सुनो ना, से फॉर एग्जाम्पल अभी सर की और मेरी एनिवर्सरी आ रही है, तब तक क्लास खत्म हो जाएगी 26 अप्रैल को। अब से फॉर एग्जाम्पल 26 अप्रैल को जब हमारी एनिवर्सरी है, उस दिन हमने सोचा वी विल गो टू एन ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम, वहां पे हम जाएंगे और वहां पे बच्चों के लिए हम कुछ डोनेट करेंगे। सुनो ना, डोनेशन देना इज अ चैरिटी, देर इज नो लीगली एनफोर्सेबल डेट। या तो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 30 अप्रैल को जियाना का बर्थडे आ रहा है, तो गिफ्ट ना देते हुए हमने सपोज 1,00,000 का चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया, तो जियाना हमारे अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती है। अरे सच में क्यों नहीं कर सकती, आपको पता है? क्योंकि देर वॉज नो लीगली एनफोर्सेबल डेट। क्या यहां पर कोई लीगल ट्रांजेक्शन हुआ है बिटवीन जियाना एंड अंकिता एंड स्वप्निल सर? नो, इट्स अ गिफ्ट, गिफ्ट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। देर इज नो लीगली एनफोर्सेबल डेट दैट वॉज क्रिएटेड। तो ऐसे केस में 138 अट्रैक्ट नहीं हो सकता। वो ऑर्फनेज का मैनेजर, जियाना हमें 2 साल तक की जेल के लिए या 2 times ऑफ द चेक का अमाउंट का फाइन हमारे ऊपर नहीं लगा सकती। ये प्रोविजन कब अट्रैक्ट होता है? तभी अट्रैक्ट होता है जब 2 parties के बीच में देर इज अ लीगली एनफोर्सेबल डेट, तो ही 138 अट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहली बात तो द चेक शुड बी इशूड इन डिस्चार्ज ऑफ अ लीगली एनफोर्सेबल डेट। मैं यहीं पे लिख ले रही हूं, गिफ्ट कवर नहीं होगा इसलिए मैंने क्रॉस किया है, क्रॉस बाजू में होना चाहिए, गिफ्ट कवर नहीं होता है। चैरिटी, चैरिटी में भी क्या कोई लीगली एनफोर्सेबल डेट है?
मैम अगर मेरे बैंक में पैसा नहीं है और मैंने चेक ऐसे ही फालतू में किसी को दे दिया तो क्या होगा? बेटा यही होगा 138। नीतीश कुमार गुड मॉर्निंग, हम आपको जेल भेजेंगे बेटा 2 साल के लिए, या आपके ऊपर फाइन लगवाएंगे, इसलिए पढ़ लो अच्छे से 138, दोबारा मत पूछना, ठीक है? थैंक यू सो मच सोनी गुप्ता, थैंक यू। सो यस, सबसे पहली बात तो प्रहलाद ध्यान दो, आपने चेक को इश्यू किया है और चेक को आपने क्यों इश्यू किया है? फॉर लीगली एनफोर्सेबल डेट। चलो मेरे और तनिषा के बीच में एक लीगल ट्रांजैक्शन हुआ था, मैंने उससे गुड्स खरीदे, गुड्स के बदले में उसको चेक इशू किया है। तनिषा क्या करेगी अभी चेक के साथ? हाँ, शी विल डिपॉजिट इट विथ हर बैंकर, बराबर ना? तनिषा विल डिपॉजिट द चेक विथ हर बैंकर। तो लिखो स्टेज टू, आउट ऑफ जनरल नॉलेज, क्योंकि आपको सेक्शन तो है नहीं बट जनरल नॉलेज होना चाहिए, कोई भी चेक की वैलिडिटी पीरियड कितनी होती है? 3 months, वेरी गुड। एनी चेक इज वैलिड ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months, इट बिकम्स स्टेल, आउटडेटेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 months। और एक चीज मुझे आपको बतानी है, ऐसे तो जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है, लिमिटेशन एक्ट कहती है कोई भी अमाउंट एनफोर्सेबल होता है अप टू अ पीरियड ऑफ 3 years, लिमिटेशन एक्ट, जिसके बाद वो टाइम बार्ड हो जाता है। बट देखो जहां लिमिटेशन एक्ट है जनरल एक्ट, और जहां एनआई एक्ट है जो चेक्स के लिए स्पेशली बनाए गए है, मोर देन द एनआई एक्ट द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मोर स्पेसिफिक फॉर चेक्स, इट सेज दैट एनी चेक इज वैलिड ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months, not 3 years, after which the check will be a stale check, outdated check. ऐसा चेक अगर आप डिपॉजिट भी करोगे ना वो बाउंस होने वाला है। बट इसमें गलती ड्रॉअर की नहीं है, इसमें गलती होल्डर की है कि उसने वैलिडिटी पीरियड में चेक का पैसा डिमांड नहीं किया, बिकॉज चेक इज ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। आप हो ना मेरे साथ? बहुत कुछ नॉलेज है मुझे, इसे समझ में नहीं आ रहा है, आप ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो? वेरी गुड, बहुत भारी। तो अब देखो क्या होगा, हमारा जो होल्डर है, होल्डर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हमारा होल्डर इस चेक को करेगा प्रेजेंट। प्रेजेंट किसके पास करेगा? उसके बैंकर के पास। बट ऐसे समय पे तनिषा की एक जिम्मेदारी है या नहीं? तनिषा की एक जिम्मेदारी, बोलो क्या जिम्मेदारी है तनिषा की? तनिषा जब इस चेक को अपने बैंकर के पास प्रेजेंट कर रही है, शी शुड प्रेजेंट इट विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द चेक। वेरी गुड। सो लिखो प्रेजेंटमेंट, प्रेजेंटेशन फॉर पेमेंट, क्योंकि चेक इज ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट, तो आपको चेक को प्रेजेंट करना पड़ेगा। प्रेजेंट करते हो मतलब भी आप पैसा डिमांड करते हो, वही मतलब हुआ बेटा। सो प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, या तो होगा विद इन 3 months और वैलिडिटी पीरियड। वैलिडिटी क्यों मैं बोल रही हूं? एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज इट ट्रांसफरेबल इन फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। सपोज मैंने तो चेक निकिता को इश्यू किया था, आज निकिता ने इस चेक को 15 दिन अपने पास रखा, निकिता ने ट्रांसफर किया किसी और को, उत्कर्षा को, उत्कर्षा ने भी 15-20 दिन अपने पास रखा, फिर उसके बाद उत्कर्षा ने एंडोर्स किया टू तनिषा, तब तक तो 1 महीना हो गया ना, 15 दिन इसके पास था, 15 दिन इसके पास था। अभी चेक 3 महीनों के लिए वैलिड नहीं है, 3 months minus 1 month, द चेक इज ओनली वैलिड फॉर, सो बेसिकली यहां पर क्या आएगा, वैलिडिटी पीरियड। सो प्रेजेंट कब तक करना है चेक को? विद इन 3 months और वैलिडिटी पीरियड, विच एवर इज लेटर और अर्लियर, लेटर और अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर, अरे अरे
इज अर्लियर. डोंट टॉक. विच एवर इज अर्लियर. तो तनिषा को इस चेक को प्रेजेंट करना पड़ेगा विद इन द वैलिडिटी पीरियड और 3 months, विच एवर इज अर्लियर. यूजुअली तो 3 months होता है, बट अगर चेक एंडोर्स होते 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 आपके पास आया है तो आपको देखना पड़ेगा चेक को कब ड्रॉ किया है. ड्रॉ करने के 3 महीने के अंदर आपको प्रेजेंट करना होता है. अगर तनिषा ने 6 महीने बाद चेक को प्रेजेंट किया, इसमें गलती मेरी नहीं है, इसमें गलती तनिषा की है, तो 138 अट्रैक्ट नहीं होगा. तो पहले स्टेप में क्या हुआ, मैंने तनिषा को चेक इशू किया है. क्यों इशू किया? फॉर लीगली एनफोर्सेबल डेट. There was some kind of contract between us for which I issued the check. जिसके बाद तनिषा ने क्या किया, इस चेक को प्रेजेंट किया अपने बैंकर के पास, वो भी चेक के वैलिडिटी पीरियड के विदिन, उसी के दायरे में रहते हुए. फिर क्या होगा, स्टेप नंबर 3. अब देखो इसका दुख दर्द शुरू हो गया. ये चेक हो गया बाउंस. इट हैज बीन डिसऑनर्ड, रिटर्न्ड, बाउंस्ड. तो अब देखो क्या होगा, बैंकर जो है, स्टेज नंबर 3 पे आ जाओ. स्टेज 3 में क्या हुआ, तनिषा के बैंकर ने तनिषा को यह बताया कि हे तनिषा, देखो जो चेक आपने हमारे पास डिपॉजिट किया था वो चेक हो चुका है बाउंस. आप एरोस देखो, केयरफुली एरोस देखो आप, कौन सा एरो किधर जा रहा है, कौन किसके पास जा रहा है, समझ लो ना आप. सो बैंकर जो है, बैंकर ने इस चेक को किया रिटर्न. मतलब इन शॉर्ट हमारा चेक हो गया बाउंस. रीजन क्या है, रीजन इनसफिशिएंट फंड्स. इसके बाद मुझे और कुछ डिस्कस करना है, विंडिक्टिव डैमेजेस. ये सेक्शन होने दो, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगी. मेरे को कुछ पूछना है, नहीं पहले ये तो कर लो तुम, फिर बाद में दूसरे टॉपिक को. नहीं, पहले तुम सीख लो ये. इनसफिशिएंट फंड्स, मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं थे, फिर भी मैंने चेक तनिषा को इशू कर दिया, तो चेक तो डिसऑनर होना ही था ना. तो अब चेक डिसऑनर हुआ है और तनिषा को चेक रिटर्न हो गया है, रीजन क्या है, इनसफिशिएंट फंड्स. या तो और एक रीजन कवर होता है इस एक्ट में, एंड दैट इज स्टॉप पेमेंट. आपको पता है स्टॉप पेमेंट क्या होता है, नहीं पता स्टॉप पेमेंट, कोई बात नहीं मैं आपको बताती हूं. सुनो, कभी सो मेनी ऑफ यू ऑल टोल्ड दैट यू ऑल हैव अ बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट है, चेकबुक का एक्सेस है, माइनर हो के मेजर हो आप लोग, तो चेकबुक्स है. तो कभी ऐसा किया नहीं है स्टॉप पेमेंट. अच्छा मैं बताती हूं, मतलब अच्छे बच्चे आप लोग. सुनो क्या होता है, मैंने चेक इशू किया, सुनो ना वर्चुअल किड्स ध्यान दो. जब मैं चेक इशू कर दी, इसका क्या मतलब होता है, मैं अपनी बैंकर को इंस्ट्रक्शंस देती हूं कि तनिषा को 1 लाख रुपए दे देना. बट ये तब का इंस्ट्रक्शन होता है जब मैं चेक इशू करती हूं. मैंने तनिषा को चेक इशू कर दिया और पीछे से मैंने मेरे बैंकर को इन्फॉर्म किया कि मैंने मिस तनिषा को ये चेक नंबर है, 6 डिजिट का चेक नंबर होता है, ये चेक नंबर है 1 2 3 4 5 6 जो मैंने तनिषा के फेवर में ड्रॉ तो किया था, बट जैसे ही तनिषा चेक को प्रेजेंट करेगी और उसका बैंकर आपके पास आएगा ना पेमेंट देने के लिए, तो आप पेमेंट मत देना, स्टॉप द पेमेंट. बैंकर किसकी सुनेगा, तनिषा की या मेरी, क्योंकि बैंकर किसका है, मेरा. पैसे किसके है, तब मेरे को चेक इशू करना था, मैंने ऑर्डर दे दिया कि आप पैसे दे दो. आज मेरी इच्छा नहीं है, मेरे पैसे, मेरा बैंकर, मेरी मर्जी, मेरा मन चलेगा. आज मैंने पीछे से मेरे बैंकर को स्टॉप पेमेंट का ऑर्डर दिया. इसका भी मतलब वही है कि आपको चेक को कुछ ऑनर करना नहीं था, बस चेक इशू करते बैठ रहे हो आप.
और इसीलिए स्टॉप पेमेंट को भी कवर किया गया है अंडर सेक्शन 138। और क्या है, स्टॉप पेमेंट की वजह से भी अगर चेक डिसऑनर हुआ तब भी 138 लग जाएगा, समझ रहे आप? स्टॉप पेमेंट के भी वजह से अगर चेक डिसऑनर हुआ तब भी 138 लग जाएगा। और यहां पे और एक रीजन है, देखते जब वो रीजन आएगा तब हम लिखेंगे, अभी तो आप इतना समझ लो। चेक क्यों डिसऑनर हुआ है? दो कारण की वजह से, वन एंड टू स्टॉप पेमेंट। अब जैसे ही तनीषा को चिट्ठी आई अपने बैंकर की कि हमने ये जो चेक इशू किया था अब वो डिसऑनर हो गया है क्योंकि मैम के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं थे, आपको क्या लगता है, क्या तनीषा चुप रहेगी? यहां पे दो तीन लाइंस छोड़ देना, अगर और एक पॉइंट लिखना है तो वहां पे मैं बीच में लाने वाली हूं। तनीषा क्या चुप रहेगी? तनीषा बोलो, तुम चुप रहोगे क्या? क्या सेल हो गए? तो तनीषा क्या करेगी? तनीषा मे को देगी अ नोटिस ऑफ डिसऑनर विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। सो तनीषा दैट इज द ड्रॉवर विल गिव मी अ नोटिस। हु एम आई? द होल्डर। एक्चुअली उल्टा लिखना चाहिए मेरे को, जिन्होंने लिख दिया वो एरो उल्टा बना देना। तनीषा जो है वो मुझे देने वाली है एक नोटिस। तनीषा विल गिव अ नोटिस टू मी। दिस इज द नोटिस ऑफ डिसऑनर। और ये नोटिस तनीषा को मुझे देनी होगी विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। और इसी नोटिस में लिखा क्या होगा कि हे अंकिता मैम, देखो जो चेक आपने इशू किया था वो डिसऑनर हो गया है। चलो हम ये मान लेंगे कि आपसे गलती से मिस्टेक हो गई, अब हम आपको गलती सुधारने का मौका दे रहा है। ऐसे तनीषा मुझे बोल रही है कि मैम हम आपको आपकी गलती सुधारने का मौका देंगे, आप ना आने वाले 15 दिनों के अंदर मेरे को पेमेंट कर लो। मतलब इसने और 15 दिनों का समय मुझे दिया, 15 दिनों में अगर मैंने पेमेंट कर दिया तो फिर तो क्या बात है, 15 दिनों में अगर मैंने पेमेंट नहीं किया, 15 दिन शी विल वेट, बट अगर 15 दिनों में मैंने पेमेंट नहीं किया, 15 दिन खत्म होने के बाद 1 महीने के अंदर तनीषा कैन गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ विथ अ कंप्लेन इन राइटिंग अबाउट द डिसऑनर ऑफ द चेक, एंड देन द कोर्ट विल ऑर्डर ईदर फॉर अ फाइन ऑफ अप टू 2 times द अमाउंट ऑफ द चेक और कैन सेंड मी टू जेल फॉर अप टू 2 years और कैन डू बोथ फाइन एज वेल एज जेल। तो आपको ये टाइम पीरियड भी याद रखना पड़ेगा, 30, 15, 1 month एंड 30 days इज नॉट इक्वल इन टू 1 month। 1 month में कभी कभी 31 days भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं। 29 जैसे इस साल लीप ईयर 2024 फेब में कितने दिन थे? तू चाय लाया कि कोल्ड कॉफी लाया? अच्छा, सबको मिलेगा, लोड मत लो। समझ में आई क्या बात? तो ये 30 दिन किसके लिए है? नहीं 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 नहीं, पैसा दिनों के पैसा देने के 15 दिन है। ये है तनीषा को मेरे पास आना पड़ेगा नोटिस लेके विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। जिस दिन उसको पता चला कि चेक डिसऑनर हुआ है वहां से 30 दिनों में वो मेरे पास आएगी कहते हुए कि मैम आपने जो चेक इशू किया था वो क्या हो गया है, और इस नोटिस में वो 15 दिनों का समय देगी और इन 15 दिनों में मुझे पेमेंट देना होगा। इन 15 दिनों में अगर मैंने पेमेंट दिया तो फिर तो क्या बात है, नहीं दिया तो क्या ही बात है, नहीं जेल भी हो जाएगा या फाइन भी या दोनों भी, दोनों हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। फिर ऐसे केस में होल्डर जो है, होल्डर वो ड्रॉवर को जो नोटिस देता है उस नोटिस में
15 दिनों का टाइम पीरियड भी स्पेसिफाई करता है। तो पेमेंट इज नॉट मेड, देखो अगर पेमेंट दे दिया तो 138 नहीं आएगा, बट इफ द पेमेंट इज नॉट मेड विद इन द नेक्स्ट 15 डेज तो आप बताओ क्या होगा, बताओ बताओ क्या होगा। तनीषा किसके पास जाएगी? कोर्ट। तनीषा इज द होल्डर, शी विल गो टू द, मैं यहां पे लिख रही हूं कोर्ट। क्या 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 and she is going to the court by giving a complaint in writing, complaint in writing within next 1 month। और court क्या क्या order कर सकता है बोलो, fine, टू टाइम्स द अमाउंट ऑफ चेक, या तो जेल, कितना अप टू 2 years, या तो लगे आप वाहिया दियो, तो ऐसे केस में बोथ फाइन एज वेल एज जेल। जब तनीषा ने मेरे अगेंस्ट केस फाइल किया ना, मैंने जज साहब को बोला, अरे जज साहब मेरे को ऐसे लगा कि मेरे पास पैसे हैं, बट बाद में मेरे को समझ में आया जब तनीषा ने चेक यू नो प्रेजेंट किया कि पैसे नहीं है, मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। आपको क्या लगता है जज साहब मेरी बातों को सुनेगा? और ये चीज एक्ट में भी लिख दी है कि कोई भी बंदा अपने डिफेंस में ये नहीं बोल सकता था कि मुझे तो लगा मेरे पास पैसे है, भाई भाड़ में जाओ, जेल में जाओ। ये बात कानून सुनेगा भी नहीं कि आपको लगा आपके पास पैसे है। हो गया 138, 139, 140, तीनों भी सेक्शंस हो गए। अरे अपन बहुत भारी है रे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो कॉफी पी, तो कॉफी ठंड रख। सब हो गया 138 भी, 139 भी, और 40 भी, मतलब 140, हाँ 141 एंड 142 आपको नहीं है, एक्ट में है आपको नहीं है। वो ये है ऑफेंसेस बाय कंपनीज, मैं बता देती, छोड़ो। अगर अगर यहां पे जैसे मैंने मेरे एग्जाम्पल में, तो मेरा खुद का एग्जाम्पल लिया था, बट अगर मैं नहीं होती, एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड होता, मतलब ऑफेंस बाय अ कंपनी, तो भी वो सेक्शन कहता है कि फर्क नहीं पड़ता है ये कांड कोई नेचुरल पर्सन ने किया है या कोई आर्टिफिशियल पर्सन, बट सिर्फ कंपनी को तो आप जेल नहीं भेज सकते हो। तो उस सेक्शन में लिखा था एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट विल बी सेंट टू जेल, बट आपको नहीं है वो। अरे अरे अरे, इन लोगों के लिए अमर लींबू शरबत लाना, लींबू पानी उतारनी पड़ेगी इनके। नीतीश कुमार आ जाओ ना यहां पे, सबको कॉफी दे रही हूं मैं, आ जाओ। क्या पेज नंबर पे हो? 15। प्लीज कम डाउन टू पेज नंबर 15, कम ऑन गाइस, I'll just switch the screen.
Check it out. Okay. So, where a check has been drawn, मैंने कनेक्ट किया है इसको. अमर प्रोजेक्टर कनेक्ट नहीं हो रहा है लैपटॉप से. आ रहा है वो प्रोजेक्टर ही कनेक्ट नहीं हो रहा. कॉफी ले ले. हाँ हो गया कनेक्ट. देखो what is this section saying? Come on guys. Where a check is drawn by a person, okay, because of course he has an account maintained with a banker, tabhi aapko check mil raha hai. And why have you drawn this check? For the payment of some money to another person for the discharge of some debt or some liability. देखो यहां पे क्लियरली लिखा है डज एनी चेक विच इज गिवन एज अ गिफ्ट और अ डोनेशन. समटाइम्स आप चेक को देते हो इवन एज अ सिक्योरिटी. पोस्ट डेटेड चेक्स आप देते हो सिक्योरिटी की तरह. आपको पता है क्या? तो यहां पे आपने सिर्फ आपका मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए ये चेक दिया है. लीगल एनफोर्सिबिलिटी के नाम पे आपने चेक नहीं दिया है. तो बताओ क्या ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा? Such things will be outside the purview of this section. Ye section attract hone ke liye, the check should have been issued for a legally enforceable debt. But ab batao, ye check deposit to hua hai, but has it been returned unpaid? Why? Kyunki money jo hai, which was standing to the credit, is insufficient to honor the check. तो ऐसा माना जाएगा सच अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस. जिसके लिए उसको क्या क्या हो सकता है? जेल कितने सालों के लिए? अप टू 2 years. फाइन कितना? 2 times द अमाउंट ऑफ द चेक. या तो क्या दोनों भी लग सकता है? बट नाउ ये सारे कंडीशंस पूरे होने चाहिए 138 अट्रैक्ट होने के लिए. कौन से सारे कंडीशंस? देखो ना, तनीषा ने जब चेक को प्रेजेंट किया, शी शुड प्रेजेंट द चेक विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months और विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर. याद कीजिए जो आपने स्टेप्स बुक में लिखे हैं. बहुत अच्छी समरी मैंने बनाई है, एकदम स्टेप वाइज साथ साथ में. बता मुझे उसके बाद हुआ क्या? जैसे ही उसने चेक को डिपॉजिट किया, हाँ, चेक जो है बाउंस हो गया. और जैसे ही उसको नोटिस मिलती है कि चेक बाउंस हो गया है, उसको क्या करना पड़ेगा? होल्डर को 30 दिनों के अंदर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि चेक जो है वो क्या हो गया है, बाउंस हो चुका है.
और उसी नोटिस में वो क्या लिखेगी कि कितने दिनों के अंदर मेरे को पेमेंट करना होगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज. अगर मैंने 15 दिनों में पेमेंट दे दिया तो क्या बात है, बट अगर मैंने पेमेंट देना फेल कर दिया, अब मुझे बताओ तनीषा क्या करेगी, बताओ बताओ. देन शी विल, तू ले ले, वो कोर्ट में जाएगी एक रिटन कंप्लेन लेके. यहां पे दिया नहीं है, कोर्ट में जाना पड़ता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ. यहां पे सिर्फ इतना दिया है 30 दिन नोटिस के हुए, 15 दिन आपके नोटिस पीरियड के हुए, उसके बाद आप जाओगे, उतना ही लिखा है. बट जाते भी हो ना तो ऐसा नहीं है 10 साल बाद जाएगी तनीषा. हाँ, 1 महीने के अंदर जाना पड़ता है तनीषा को कोर्ट में. और अगर पेमेंट देना मैं फेल कर देती हूं, शी कैन फाइल अ कंप्लेन इन राइटिंग आफ्टर 45 डेज ऑफ डिसऑनर ऑफ द चेक. गॉट इट? अरे बोलो ना. इंस्टीट्यूट ने सेक्शन में तो वो स्टॉप पेमेंट का जिक्र नहीं किया है. अगर आप देखोगे सेक्शन में, इंस्टीट्यूट ने सिर्फ इतना ही कहा है चेक डिसऑनर हुआ है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स. बट अगर आप देखोगे एग्जांपल नंबर 16, यहां पे चेक डिसऑनर हुआ है बिकॉज ऑफ स्टॉप पेमेंट. एक्चुअली देर इज वन मोर रीजन दैट इज कवर्ड अंडर 138, ड्रॉवर नॉट अलाउविंग द होल्डर टू प्रेजेंट द चेक. मैंने आपको बोला था ना वो जगह छोड़ो, बट इंस्टीट्यूट ने उसको कवर नहीं किया है. तो मे बी इंस्टीट्यूट विल नॉट आस्क क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इट. 138 भी आपको पूरा पूरा नहीं है, आधा आधा ही है, तो जितना है उतना ही पढ़ाते हैं. दो कवर किए इंस्टीट्यूट ने रीजंस, एक सेक्शन में लिख के और एक एग्जांपल में लिख के. स्टॉप पेमेंट का एग्जांपल है, एग्जांपल भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल का हिस्सा ही है. तो हो सकता है आपको क्वेश्चन स्टॉप पेमेंट का है, बट चाहे चेक डिसऑनर हुआ है इनसफिशियंट फंड्स के वजह से या स्टॉप पेमेंट के वजह से, क्या 138 अट्रैक्ट होगा? देखो, एक्स इशूड अ पोस्ट डेटेड चेक टू वाई ऑन अकाउंट ऑफ अ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी. ऑन अकाउंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी मतलब क्या, चेक को इशू किया गया फॉर अ लीगली एनफोर्सिबल डेट. अरे बोलो ना. एक्स ने वाई को चेक इशू तो कर दिया, बट बाद में उसने इंस्ट्रक्ट किया अपने बैंकर को फॉर स्टॉप द पेमेंट. क्या 138 अट्रैक्ट होगा? इवेंचुअली जब आप चेक को डिपॉजिट करते हो, ऑब्वियसली डिसऑनर होता है स्टॉप पेमेंट के इंस्ट्रक्शन के वजह से. यहां पे 138 अट्रैक्ट होगा. 138 इज अट्रैक्टेड. 138 सेक्शन नंबर याद रखना पड़ेगा. सो एक्स विल बी लायबल फॉर द डिसऑनर ऑफ द चेक. यहां पे वापस से वो पेनल्टी रिपीट हुई है, ऊपर दिया हुआ है. आप अगर चाहते, देखो मैंने यहां पे लिखा है क्रिमिनल ऑफेंस है, बलि कांड सिविल है, पनिशमेंट क्रिमिनल है. हाँ, जेल अप टू 2 इयर्स, फाइन अप टू 2x द अमाउंट ऑफ द चेक, या तो दोनों भी लग सकता है. When a चेक इज डिसऑनर्ड, इट शैल बी presumed that the holder of the check received the check for the discharge in whole or in part of a debt or other liability. तो जो starting मैंने step वन लिखा था ना, step वन जिसमें मैंने लिखा था मैंने तनीषा को check दिया है for a legally enforceable debt, वो एक्चुअली दिया है 139 में. 138 अट्रैक्ट होने के लिए चेक शुड हैव बीन इशूड ओनली इन डिस्चार्ज ऑफ अ लीगली एनफोर्सेबल डेट. ये 139 में दिया है, मतलब गिफ्ट और चैरिटी कवर नहीं होता है. और 140 कहता है आपके अगेंस्ट अगर कोर्ट में होल्डर जाता है, आप ये रीजन नहीं बोल सकते हो कि जज साहब मेरे को तो लगा कि मैंने जब चेक इशू किया था मेरे पास पैसे थे, पता नहीं ऐसे कैसे हो गया कि पैसे कम हो गए और चेक डिसऑनर हो गया. ऐसा वाहियात कारण आप कोर्ट में नहीं बोल सकते. ये 140 ने क्लियरली बोला हुआ है. ओके, तो ऐसे करके हमारा 138, 139 और 140
हो गया जाल हे हे हो हो हा हा। 5 मिनट का ब्रेक ले, 5 मिनट का ब्रेक लेते, नहीं नहीं छुट्टी वुट्टी नहीं होगी। कोई गाना चाहता है? एनीवन हु वांट्स टू सिंग? मैं चाहती हूँ आप ब्रेक के बाद भी रुके रहो, गाना गाने से और हो जाएगा उल्टा। वील जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। अमर है बाहर? नहीं है क्या? आप लोगों को बाहर जाना है तो 5 मिनट के लिए बाहर जा सकते हो। 5 मिनट का ब्रेक दिया है मैंने। वहां पे कुछ नहीं लिखना है मनोज। कब तक आ रहे हो? 55 तक आ जाओ, 350।
आप लोगों को तो बेटा सुबह शाम आना पड़ेगा, जो नए बच्चे ब्रेक टाइम खत्म कर दो। हाँ बेटा बना लेगी जगह आपके लिए, आप टेंशन मत लो। मंडे से और बच्चे आने वाले, गुरुकुल के बच्चे अभी आने वाले, हफ्ते में आने वाले। कर लेगी बेटा, बोला सेक्शन खोलना ही पड़ेगा क्योंकि 50 बच्चे अभी भी वो बच्चे हैं जिन्होंने बोला हम YouTube पे लेक्चर्स खत्म होने आएंगे तब हम आएंगे। दे विल बी कमिंग बाय द कमिंग वीकेंड, क्योंकि इसके बाद के मंडे से नहीं चलेंगे ना YouTube पे, तो उन्होंने बोला जब तक YouTube पे हम घर पे रहेंगे फिर उसके बाद हम वीकेंड तक आएंगे, और संडे को सामान वामान जमा के मंडे से फिजिकली अटेंड करना है, तो वो साइट खोलना ही पड़ेगा। आ जाओ चलो, आप ध्यान दो इधर, बाकी वर्चुअल बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है। आ जाओ चलो चलो। ओके सुनो मेरी बात, क्या हो रहा है अभी आप इधर आते हो और ध्यान देते हो क्या? चलो ध्यान दो, आ जाओ। I am on the question bank. There are four questions that are given in the institutes module. और मुझे लगता है चारों भी questions हमारे हो जाएंगे। तो कल हम लोग सिर्फ बाकी का जो syllabus है जितना बचा हुआ है, कितने बचे हुआ है, I think 17 का आधा हिस्सा बचा है, 18, 19, 20, 21, चार पांच pages approximately बचा हुआ है, तो कल हमारा हो जाएगा वो चार पांच pages। कोई ज्यादा लंबा नहीं है, ये छोटे छोटे सेक्शंस ही है, फटाफट हमारा हो जाएगा। प्रेजेंटेशन और इससे रिलेटेड ही है, इट्स नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम। ये चार्ट वार्ड बना के और पॉइंटर्स देके मैं आपको लिखवा दूंगी, तो आपका पूरा समरी एनआई एक्ट का आपके नोटबुक्स में बन जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये इजी इजी सेक्शन है जो कल के लिए है, इंपॉर्टेंट आज का बहुत ज्यादा था। फाउंडेशन क्वेश्चन बैंक, कल जब तक फिर एक्ट कंप्लीट नहीं होगा हम लेक्चर लेते रहेंगे, ठीक है? एलएलपी एक्ट के बाद कंपनीज एक्ट है, एनआई एक्ट है, लेट्स चेक इट आउट। पहले तो मैं क्वेश्चन थ्री करना चाहती हूं, थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री। वर्चुअल किड्स प्लीज ध्यान दीजिए, दोज यू डोंट हैव द क्वेश्चन बैंक यू कैन रिफर द आईसीआई मॉड्यूल। मॉड्यूल में एनआई एक्ट के पीछे यही चार क्वेश्चंस है। देखो, भोलेनाथ ड्रू अ चेक इन फेवर ऑफ सुरेंद्र, आफ्टर इशूइंग द चेक भोलेनाथ रिक्वेस्टेड सुरेंद्र नॉट टू प्रेजेंट द चेक फॉर पेमेंट एंड गेव अ स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट to the bank in respect of the check issued. तो भोलेनाथ बोले हैं नहीं, हाँ हरकतें देखो, चेक ड्रॉ किया और बाद में अपने बैंकर को स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन दिया। नाउ यू आर सपोज टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द एनआई एक्ट वेदर द एक्ट ऑफ भोलेनाथ इज गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। अरे बरो बोलो ना, जान लगा के समझाने के बाद इतने थके हो जैसे बोल रहे हो यस मैम। भोलेनाथ ने जो किया है क्या ये ऑफेंस है? yes. क्यों ऑफेंस है? क्योंकि क्या उसने चेक इशू किया है विदाउट द इंटेंशन ऑफ ऑनरिंग इट?
चेक इशू करके पीछे से अपने बैंकर को क्या स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन दिया है, कौन सा सेक्शन कवर होगा? 138, वेरी गुड। तो देखो 138 में अगर आपने कोई भी चेक को ड्रॉ किया है फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द होल और इन पार्ट ऑफ अ डेट और लायबिलिटी, और आपके अकाउंट में या तो इनसफिशिएंट फंड्स है, या तो आपने स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन दिया है, तो माना जाएगा आपने कमिट किया है एक ऑफेंस। बराबर ना? तो सर, ड्रॉवर ऑफ द चेक हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर 138 ऑफ द एक्ट, और वो ये बोल भी नहीं पाएगा कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि मेरा चेक जो है वो डिसऑनर कैसे हुआ। यहां पे भले ही आपने स्टॉप पेमेंट दिया है बट फिर भी 138 अट्रैक्ट होता है और आपको जेल भी हो सकती है 2 साल तक की, फाइन भी हो सकता है 2 times द अमाउंट ऑफ चेक, और दोनों भी लग सकता है, फाइन एज वेल एज जेल। क्वेश्चन 4 देखो, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है बट 1-1, 2-2 मार्क्स के आ सकते हैं। रामा एग्जीक्यूटेड अ प्रॉमिसरी नोट इन द फॉलोइंग फॉर्म, आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹10,000 आफ्टर 3 months। आप बताओ क्या ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड है या इनवैलिड है? क्यों इनवैलिड? आपने यही नहीं लिखा है कि आप पैसे किसको देने वाले हो, देर इज नो पे। और आप लोग जानते हो प्रोमिसरी नोट के केस में तो RBI एक्ट भी आती है। अ प्रोमिसरी नोट कैनॉट बी बेरर इन नेचर बिकॉज इट विल, मैंने रीजन भी बताया था, बिकॉज बेरर प्रोमिसरी नोट स्टार्ट एक्टिंग लाइक करेंसी नोट्स। मैंने वो करेंसी नोट भी बताया था जिसमें लिखा था मैं धारक को वादा करता हूं ₹100 अदा करने के लिए, याद है आपको? प्रोमिसरी नोट तो अब करेंसी नोट बनने लग जाएगा अगर ये बेरर है, तो आप ऐसी प्रॉमिसरी नोट बना ही नहीं सकते। यहां पे ना आपने कोई डेट लिखी है, ना आपने पेई का नाम लिखा है, और इंस्ट्रूमेंट को आपने बेरर बनाया है जो अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू द RBI एक्ट। इसलिए NI एक्ट के हिसाब से तो ये वॉइड है, RBI एक्ट के हिसाब से भी ये लीगली एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। दिस प्रॉमिसरी नोट इज नॉट वैलिड इन द आईज ऑफ लॉ। सिर्फ प्रॉमिस से बोल के प्रॉमिसरी नोट नहीं बन जाता है, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में कितने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे देखो तो आपकी बुक में 8 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी होनी चाहिए। पक्का ना? देयर शुड बी अ रिटन इंस्ट्रूमेंट, promise to pay a certain sum of money and money only, unconditional promise, pay certain hona zaruri hai, it should be dated, it should be signed, it should be stamped, tab mana jayega ki aapka promissory note valid hai. Sab kuch hai, maine sign hi nahi kiya, invalid. Samajh mein hai? Yahan pe unhone point pucha hai ki pay specified nahi hai, तो आपको NI एक्ट के साथ साथ RBI का प्रोविजन भी लिखना पड़ेगा, वो उस समय पे क्लिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। 1 M ड्रू अ चेक, कितनी बार किया यार कल इंस्टीट्यूट ने, मतलब लिटरली M ड्रू अ चेक अमाउंटिंग टू 2 lakhs पेएबल टू N, subsequently delivered to him. After receipt of the check, N endorsed the same to C. तो M ने N को, N ने C को endorse तो किया है, but C kept it in his safe locker. Afterwards, after some time, N died, but and P found the check. मैं आप बन गए, आप मैं बन गए, एंड नहीं एक्चुअली यहां पे पी नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं बार बार रीड कर रही हूं, सी आना चाहिए यहां पे, इट शुड नॉट बी पी, इट शुड बी सी, इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं प्रोसेस कर रही थी।
नहीं सच में देर इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम यहां पे इट शुड बी सी आपको समझा नहीं मेरा विजन पी नहीं रे सी क्या हुआ था एम ने चेक बनाया एन के फेवर में एन को ये चेक देना था सी को बट एन ने सिर्फ एंडोर्स किया है डिलीवर नहीं किया है उसने अपने लॉकर में ही रखा बट बता मुझे नेगोशिएशन के लिए एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी यहां पे एंडोर्समेंट हुआ है डिलीवरी आफ्टर सम टाइम एंड डाइड ऐसा कुछ एग्जाम्पल था मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने रीड किया था एंड डाइड सी फाउंड द चेक इन एंड सेफ लॉकर सी को ये चेक मिला है उसको ये चेक डिलीवर नहीं हुआ है इज दिस गोइंग टू बी अ वैलिड नेगोशिएशन यहां पे भी आप लिखो सी डज नॉट बिकम द होल्डर ऑफ द चेक एंड व्हाई विल ही नॉट बिकम द होल्डर ऑफ द चेक बिकॉज उसको चेक डिलीवर ही नहीं हुआ था मैंने बताया ना किसी का चेक मिल जाना चेक चुरा लेना इसको डिलीवरी नहीं कहते हैं डिलीवरी वॉलेंट्री होनी चाहिए ऑफ कोर्स इट कुड बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव बट क्या डिलीवरी होना जरूरी है और एक लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 झालं एखादा सेक्शन कर सकते हैं अपन 4:15 तक नहीं नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कल करो सो आज कर आज करो सो अब कल में परली होएगी बहुरी करोगे कब कल करो सो आज कर आज करो सो परसो संत कबीर जिंदा नहीं अच्छा हुआ नहीं तो क्या करते हो सीरियसली आ जाइए ये हुआ है क्या हमारा सेक्शन 46 हुआ है हमारा हो गया है ना कल ही तो हुआ है झूठ बोलने में तो एक नंबर हो आप लोग हुआ है ना इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन अ नेगोशिएशन ये तो 138 नहीं तो डिलीवरी के ऊपर इंस्टीट्यूट सवाल पूछने ही वाली है फेवरेट लग रहा है इंस्टीट्यूट का एम ओज मनी टू एन देयरफॉर ही मेक्स अ प्रॉमिसरी नोट फॉर द अमाउंट इन फेवर ऑफ एन फॉर सेफ्टी ऑफ ट्रांसमिशन ही कट्स द नोट इन टू हाफ वाह दिमाग है ये बंदे का एंड पोस वन हाफ टू एन He then changes his mind and calls upon N to return the half of the note which he had sent. क्या कर रहा है? N requires M to send the other half of the promissory note. वो बोल रहा है मैं तुझे आधा हिस्सा क्यों दूँ? तू मुझे वो आधा हिस्सा दे. वो ही खेलते बैठ रहे हैं. Decide what are the rights of the parties and how it is going to be adjusted. देखो कोई भी इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी कब होगी व्हेन इट इज इन टोटालिटी डिलीवरी तभी होगी ना जब पूरा इंस्ट्रूमेंट आपको मिला है आधा इंस्ट्रूमेंट अगर मिला है क्या उसको डिलीवरी मानी जाएगी यहां पे आधा पार्ट मिला भी है फिर भी कुछ नहीं मिला है समझ लो आप तो आप अगर चाहते हो आप इससे आधा हिस्सा डिमांड कर सकते हो नहीं तो आप कन्विंस कर लो कि पूरा हिस्सा आपको मिल जाए बट ये आधा अधूरा का कोई भी लीगल रेलेवेंस नहीं है एक छोटा सा हिस्सा है पार्ट डिलीवरी और फुल डिलीवरी उसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने केस बना दिया क्या डिटेल में पूछ रहा है सवाल इंस्टीट्यूट ये देखो ना इतना सा हिस्सा है व्हाट अ क्वेश्चन
आंसर एक बार देखते हैं क्या है आंसर. लेट्स चेक इट आउट. सो द क्वेश्चन अराइजिंग इन दिस प्रॉब्लम इज whether the making of the promissory note is complete when one half of the note was delivered to N. So, dekho, the making of a promissory note is completed by delivery. This delivery can be actual or constructive. Delivery refers to the whole of the instrument and not merely a part of it. आप लोग आपकी टेक्स्ट बुक में क्रॉस रेफरेंस दे रहे हो क्या? ठीक है. डिलीवरी ऑफ हाफ इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ द होल. सो द एंड ऑफ क्लेम टू हैव द अदर हाफ ऑफ द प्रोमिसरी नोट इज नॉट मेंटेनेबल. एम अगर चाहे इंस्ट्रूमेंट को डिमांड कर सकता है. सो इवन इफ ही चेंजेस हिज माइंड एंड रिफ्यूजेस टू सेंड द अदर हाफ ऑफ द प्रोमिसरी नोट इट इज वैलिड. क्योंकि प्रॉमिसरी नोट तभी वैलिडली बनता है जब आप उसको बनाते हो और बनाने के बाद आप पेई को डिलीवरी देते हो. आपने अभी पेई को डिलीवरी दी नहीं है तो अभी भी बाजा आपके हाथ में ही है. आप जब चाहो बाजी पलट सकते हो और आप वो हाफ को वापस से डिमांड करके अगर माइंड चेंज हो भी गया तो भी आप वापस से मंगवा कर उसको कैंसिल कर सकते हो. इसका भी क्रॉस रेफरेंस जरूर देना और इसको अंडरलाइन करना. प्रॉमिसरी नोट इज कंप्लीट ओनली आफ्टर डिलीवरी एंड डिलीवरी रिफर्स टू होल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. ओके, नहीं करना है और एक सेक्शन? कल तो करेंगे बाकी के सेक्शंस. कल बैठ पाओगे क्या इतना आप? तीन चार पेजेस कल बोलना नहीं फिर आप लोगों ने? बोलो ना. एकाधा सेक्शन कर लेते ना 17 पेज नंबर हो जाएगा. अरे ये पेज सिर्फ प्रेजेंटेशन का इतना ही कंप्लीट करते हैं फिर कल ना 18 पेज नंबर 19 20 साढ़े चार पेजेस है. नहीं होगा कल साढ़े चार पेजेस? साढ़े चार पेजेस है. दो घंटे में दो ही पेजेस होते हैं. नहीं नहीं मत कर ऐसे. नहीं मैं 6 बजे तक क्यों लू? मैंने लो एक इतना से 61 कर लो. चलो यार अगर बहुत ही आलस आ रहा है तो आप कल देख लेना इसको. अभी तो आप इतना कर लो. इतना सा बस प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस दैट्स इट. नहीं नहीं पूरा क्यों? किसे कुन्नस से? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है. अरे मैं आपको बोल रही हूं गिन के, मैं आपको बोल रही हूं 5 मिनट से ज्यादा इस सेक्शन को नहीं लगेगा. वो पेज कंप्लीट हो जाएगा अपना. देखो एक बात बताओ, एक तो कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अगर आपको पैसा डिमांड करना है तो आपको उसको प्रेजेंट करना पड़ता है, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है. पैसा अगर चाहिए आपको उसको प्रेजेंट करना पड़ता है. बट जब मैं एक्सेप्टेंस की बात करती हूं, प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस तीन इंस्ट्रूमेंट्स में से एक में ही होता है. कौन सा है वो इंस्ट्रूमेंट? एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट कहां अट्रैक्ट होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट या चेक? सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज वो इंस्ट्रूमेंट है जहां आपको लगता है एक्सेप्टेंस. अब एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज पेएबल आफ्टर डेट और एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज पेएबल आफ्टर साइट. जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है पेएबल आफ्टर डेट, जो दिन पे इंस्ट्रूमेंट बना है वहां से आप मैच्योरिटी कैलकुलेट करना शुरू करते हो. बट अगर इंस्ट्रूमेंट बना है पेएबल आफ्टर साइट,
जब आप इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करते हो, आप मतलब कौन, ड्रॉई, ड्रॉई जब इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेंस से उस बिल के डेट की मैच्योरिटी कैलकुलेट की जाती है, और मैच्योरिटी में भी 3 days ऑफ ग्रेस ऐड करते हैं, जिसके बाद ही आप पैसा जो है वो डिमांड कर सकते हो। बट जब आप पैसा डिमांड करने जाते हो, यू हैव टू गो एट अ रीजनेबल टाइम एंड एट अ रीजनेबल प्लेस। ऐसा नहीं मैच्योर होगा तो मैं रात के 12 बजे चले जाऊंगा, सुबह के 5 बजे आ जाऊंगा, ऐसा नहीं। वी नो कि बिल मैच्योर हुआ है, बट इमोशनल नहीं होना है। मैच्योरिटी के बाद भी जब आप पैसा डिमांड करने जाते हो, रीजनेबल टाइम और रीजनेबल प्लेस पे जाओ। तो वर्किंग डे, बिजनेस आवर्स, मतलब यूजुअली मॉर्निंग 9 to evening 6 o'clock के बीच में आपने जाना है, उस जगह पे जाना है जहां पे वो बंदा बिजनेस करता है, घर नहीं जाना है। समझ रहे हो, घर आपका पर्सनल स्पेस होता है, ये बिजनेस डीलिंग्स है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो रीजनेबल प्लेस कुड बी ऑफिस और समटाइम्स शॉप, कुछ लोगों की दुकान होती है ना, ऑफिस ऑफिस नहीं होता है, तो शॉप पे जाओ या ऑफिस में जाओ, रीजनेबल टाइम पे जाओ, रीजनेबल प्लेस पे जाओ, रीजनेबल डे पे भी जाओ, डोंट गो ऑन दिवाली का दिन, समझो आप। तो गो ऑन अ डे विच इज नॉट अ हॉलीडे, इट्स अ वर्किंग डे, पीपल आर यूजुअली एट द शॉप और द ऑफिस। तो इतना कॉमन सेंस लगा के आपको पैसा डिमांड करना होता है, ठीक है। एंड अगर आपके बिल पे लिखा है कि नहीं पैसा डिमांड करने के लिए आप घर पे आना, सो अ पर्टिकुलर प्लेस इज मेंशन, तब बात कुछ और है। तब फिर पैसा डिमांड करने के लिए जो भी पर्टिकुलर प्लेस लिखी है, फैक्ट्री लिखा है तो फैक्ट्री पे चले जाओ, घर लिखा है तो घर पे चले जाओ, ऑफिस लिखा है तो ऑफिस पे चले जाओ, दुकान लिखा है तो दुकान पे चले जाओ। तो जो भी जगह आपने लिखी है उस जगह पे आपको क्या करना है, जाना होगा। पेमेंट का समय आया और ड्रॉई आपका मिल ही नहीं रहा है, गुमशुदा हो गया ड्रॉई। ड्रॉई मतलब वो पर्सन जो प्राइमरीली लायबल है, आपने बहुत ढूंढा उसको बट गुमशुदा होया हो। तो ऐसे केस में फिर आप यही मान लोगे कि बिल जो है वो डिसऑनर हो गया है, क्योंकि ये बंदा पेमेंट देना चाहता नहीं है, इसीलिए तो 9-2-11 हुआ है ना। सो इट विल बी अज्यूम्ड, प्रिज्यूम्ड दैट द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड, हो गया जालो। देखो So, कोई भी बिल अगर बना है टू बी पेएबल आफ्टर साइट, आफ्टर साइट, उसको प्रेजेंट करना होगा ड्रॉई को फॉर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के लिए जब आप प्रेजेंट करते हो, शुड यू गो विद इन अ रीजनेबल टाइम ऑन अ बिजनेस डे इन रीजनेबल आवर्स। If the drawee cannot be found after reasonable search, it will be considered as if the bill has been dishonored. And if the bill is directed to the drawee to be paid at a particular place, क्या आपको उसी particular place में bill को present करना पड़ेगा? और तब भी अगर वो नहीं मिला उस जगह पे भी, तो माना जाएगा the bill is dishonored. ठीक है, हो गया जाला। नहीं करना है ना ये? अरे बोलो, आपके ऊपर है, आप बोलो तो मैं हाँ, आप बोलो तो ना। चलेगा क्या 4:30 तक? 12 मिनट बैठोगे क्या? वर्चुअल किड्स, व्हाट अबाउट यू ऑल, क्या हालचाल आप लोगों के? वो तो घर पे ही है वैसे भी। नहीं नहीं है ना, कुछ बच्चे जो लाइव देख रहे हैं। कर लो मैम बोल रहे, कितने अच्छे बच्चे, बहुत आगे जाओगे। अरे इसमें कुछ भी नहीं, लिटरली मैंने आपको बोला ना, इतने सिंपल और जनरल पॉइंट्स है, कॉमन सेंस है।
अब सुनो ना, अगला सेक्शन क्या, अभी दस बारह मिनट ही है, सुन लो आप. ऊपर वाला जो सेक्शन था दैट वॉज फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज. ये वाला जो सेक्शन है ये प्रॉमिसरी नोट के लिए है. इफ द प्रॉमिसरी नोट इज पेएबल एट अ सर्टेन टाइम आफ्टर साइट, तो प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द मेकर. मेकर मेकर देयर ऑफ फॉर साइट बाय अ पर्सन एंटाइटल्ड टू डिमांड पेमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम इन अ रीजनेबल बिजनेस आवर्स ऑन अ बिजनेस डे. प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टीज होती है, मेकर एंड पे. मैं आपको कह रही हूं कि एक हफ्ते बाद आना, एक हफ्ते बाद मैं आपकी प्रॉमिसरी नोट बनाओगे. तो अब एक हफ्ते बाद आप मेरे पास आओगे, जब आप मेरे पास आओगे तब मैं प्रॉमिसरी नोट बनाऊंगी. बट जब आप एक हफ्ते बाद मेरे पास आ रहे हो, आपको रीजनेबल टाइम पे, रीजनेबल आवर पे, बिजनेस डे पे आना पड़ेगा. एक हफ्ते बाद अगर मैं नहीं मिली तो ऐसे केस में माना जाएगा कि वो इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं है, बना ही नहीं है. डिसऑनर तो छोड़ दो, वो इंस्ट्रूमेंट खत्म, जाला, दी एंड. और कोई भी पार्टी की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी. और अगर एक हफ्ते बाद आप भी नहीं आते हो, मैं तो गुमशुदा, अलग बात है, आप ही नहीं आते हो मेरे पास, तब भी बिल बनेगा ही नहीं, बिल नहीं सॉरी प्रॉमिसरी नोट. और तब भी अगर प्रॉमिसरी नोट बना नहीं है, किसी की भी लायबिलिटी अराइज होगी नहीं. मैंने वो एग्जाम्पल दिया था, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई. मैं ड्रॉवर हूं, निकिता ड्रॉई है, और पेई संजना है, संजना ना. अब जब मैंने बिल बनाया, निकिता को ऑर्डर दिया कि संजना को पैसे देना, जब मैंने बिल बना के निकिता को एक्सेप्टेंस के लिए दिया ना बिल, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई, क्या निकिता को बिल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा? Yes. निकिता को जब मैं बिल देती हूं एक्सेप्टेंस के लिए, निकिता तुझे एक्सेप्टेंस देना होगा दो दिनों के अंदर. कितने दिनों के अंदर? दो दिन मतलब 48 आवर्स में शी शुड एक्सेप्ट दैट बिल ऑफ एक्सचेंज. 48 आवर्स भी नहीं, 4 मिनट में करना चाहिए इसने, क्योंकि इसको पता है कि इसको मुझे पैसे देने हैं और मुझे पता है कि मुझे इसको पैसे देने हैं. उसी के लिए तो मैंने निकिता को ऑर्डर दिया कि तू मुझे पैसे देगी, मैं इसको दूंगी, उसके बदले तू ही डायरेक्टली संजना को दे देना. दो दिन इज इनफ टाइम. इसलिए लॉ मेकर ने कहा है कि एक्सेप्टेंस के लिए, फॉर एक्सेप्टेंस वी हैव अलाउड द ड्रॉई हाउ मेनी आवर्स? 48 आवर्स टू कंसिडर वेदर ही और शी विल एक्सेप्ट इट और नॉट. वही मैं आपको बोल रही थी, ऐसा एक पीपीटी है, मैं ड्रॉ नहीं करती हूं, आप देख लो. अगला वाला जो सेक्शन है, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, प्रेजेंटमेंट वाला, ये देखो, देखो ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को हमको प्रेजेंट करना होगा फॉर पेमेंट. कोई भी मतलब, चाहे इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है या चेक है, आपको उसको प्रेजेंट करना ही पड़ता है पैसे डिमांड करने के लिए. बट जहां तक एक्सेप्टेंस की बात है, एक्सेप्टेंस इज ओनली रिक्वायर्ड इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. ये फोटो ले लेते हो क्या? कच 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 कच, ये भी मैं ही करूं, सारा काम मैं ही करूं, सफाई भी, शॉपिंग भी. वो एड है ना, वो बच्चे की एड नहीं पता आपको? क्या करते हो तुम लोग? अच्छा, नेटफ्लिक्स के बच्चे हो तुम, टीवी की क्या ही एड देखोगे? आज मैंने ग्रुप पे डाला ही नहीं यार लिंक. बस तू मजे ले, मैंने भेजा है, विक्रम ग्रुप है ना, भेज दिया है फोटो. अरे वो नाम इतने कंफ्यूजिंग है, विक्रम, संकल्प, योद्धा, ब्रह्मास्त्र, त्रिशूल,
नहीं नहीं स्टाफ ही करता है वो मीडिया वाला, बट मैंने अभी बोला है नेक्स्ट टाइम मेरे को ऐसे कोई बैच के नाम नहीं चाहिए, शिद्दत से आप कौन से अटेम्प्ट का बैच है, फास्ट ट्रैक है, रिविजन है, डिटेल रिविजन है, वन डे बिफोर है, उसके हिसाब से तो नाम निकाल भाई, मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है। यही लॉ समझ लिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बैच के नाम कब तक याद रखते बैठे। अभी 3 मैचेस चालू है, ये आपका विक्रम, बाजू में संकल्प, ये सामने वाला योद्धा, और जो फास्ट ट्रैक ले रही हूं वो अलग, उसका नाम निश्चय बैच है, वो निश्चय फास्ट ट्रैक का सुनो ना, देखो देखो यहां पे हम प्रेजेंटमेंट किसके लिए करें, बिल सुनो ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को क्यों प्रेजेंट कर रहे, फॉर कौन से इंस्ट्रूमेंट को पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना पड़ता है, ऑल। तो आपका प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है, मतलब सारे के सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तनिषा को मैंने चेक दिया, बस चेक को अपने पास ही संभाल के लेके घूम रही है, क्लास में आते, घर पे जाते, खाते पीते, सोते जागते, पूरे टाइम चेक उसके पास ही है। क्या अचानक से एक दिन तकिए के नीचे से चेक जाके पैसा आ जाएगा, ऐसे कोई फेरी नहीं होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में। आपको चेक को प्रेजेंट करना पड़ता है और पेमेंट लेना पड़ता है, चाहे इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है या चेक है। अरे बोलो ना, इट मस्ट बी प्रेजेंटेड, मस्ट 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 मतलब मैंडेटरी, शाल बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इधर टू द मेकर। मेकर कौन से किस में होगा, प्रॉमिसरी नोट, एक्सेप्टर या ड्रॉई बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और अगर आपने इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट ही नहीं किया है, तनिषा क्या मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है, हे मैम देखो आपने चेक इशू किया बट पेमेंट ही नहीं दिया। अरे भाई तूने प्रेजेंट ही नहीं किया है, यू कैन नॉट मेक मी लायबल इफ यू हैव नॉट प्रेजेंटेड द इंस्ट्रूमेंट। सो इफ देर वॉज अ डिफॉल्ट इन द प्रेजेंटेशन, द अदर पार्टी कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। बट बस इसी का एक्सेप्शन है, फिर आपको छोड़ रहे हो, ज्यादा कुछ नहीं। वेर अ प्रोमिसरी नोट इज मेड पेएबल ऑन डिमांड। अच्छा डिमांड इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, एक तो चेक इज ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट, प्रोमिसरी नोट अगर आप डिमांड इंस्ट्रूमेंट बनाते हो, इसमें कोई मेच्योरिटी टाइम नहीं है कि इतने दिन बाद आओ, 20 दिन बाद आओ, 1 महीने बाद आओ, 3 महीने बाद आओ, आपने सिर्फ लिखा आई प्रोमिस टू पे यू, आपका नाम, अ सम ऑफ रुपीज, 1,00,000 रुपीज, और मैंने साइन कर दिया, स्टैम्प कर दिया, डेट लिख दिया, मतलब जब आपने मेरे को प्रोमिसरी नोट दिया तब मैं पेमेंट करूंगी, उसको कहते हैं डिमांड इंस्ट्रूमेंट। देखो एक इंस्ट्रूमेंट होता है डिमांड इंस्ट्रूमेंट, एक होता है टाइम इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट में जब आपने डिमांड किया पैसा आपको पेमेंट मिलता है, टाइम इंस्ट्रूमेंट में आप डायरेक्टली डिमांड नहीं कर सकते हो, आपको मैच्योरिटी के लिए वेट करना पड़ता है, जिसके बाद ही आप पेमेंट डिमांड कर सकते हो। सो यू आर सपोज टू वेट टिल द टाइम द इंस्ट्रूमेंट मैच्योर्स। एक्सेप्शन में यह कहा है अगर आपकी प्रोमिसरी नोट डिमांड इंस्ट्रूमेंट है एंड इट इज नॉट पेएबल एट ए स्पेसिफाइड प्लेस, सो नो प्रेजेंटेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू चार्ज द मेकर देयर ऑफ। इन शॉर्ट जब इंस्ट्रूमेंट बना है ना इमीजिएटली वो पेएबल हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट जैसे ही बना है वो पेएबल हो जाता है और आपको उसका पेमेंट इमीजिएटली करना पड़ेगा, ठीक है। And when an electronic image of a truncated check is presented, the drawee bank is entitled to demand further information regarding the truncated check from the bank holding the truncated check if there is a suspicion about the genuineness and वगैरह वगैरह। ये सब आपने नहीं भी किया तो भी चलेगा, ये section क्या कहता है मैं आपको बोलती हूँ, bankers के लिए ज्यादा relevant है। कभी कभी ऐसे आपको लगता है ना signature forged है, mismatch है, कुछ तो आपने numbers में फ्रॉड किया है, तो अगर आपको लग रहा है ये चेक में कुछ तो गड़बड़ है, जो बैंक में चेक प्रेजेंट हुआ था
उस बैंकर के पास आप जा सकते हो और इन्फॉर्मेशन डिमांड कर सकते हो. इफ यू फील दैट देर इज एनी यू नो देर इज अ सस्पिशन ऑफ सम फ्रॉडरी फॉर्जरी और सम फ्रॉड और समथिंग दैट इज नॉट करेक्ट ऑन द इंस्ट्रूमेंट, तो बैंकर अगर चाहे, क्लियरिंग हाउस अगर चाहे, तो वो और इन्फॉर्मेशन डिमांड कर सकता है, जिसके बाद ही चेक को क्लियर किया जाएगा. अदरवाइज द चेक विल नॉट बी क्लियर्ड, चेक बाउंस कर दिया जाएगा, डिसऑनर किया जाएगा. कभी कभी ऐसा होता है ना, तो ऐसे केस में हम क्या कर देंगे, चेक को डिसऑनर कर देंगे. ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग एंड वन मोर टाइम ईद मुबारक. पढ़ा लेती थी मैं, बट ये लोग मारेंगे मेरे को. चलो बाय 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 वर्चुअल स्टूडेंट्स.